तो भाई क्या होगा अगर MCU के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक स्पाइडरमैन की फाइट बेन 10 के एलियन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से हो, तो दोनों में से कौन जीतेगा? तो इस सवाल का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी कैप्टन अमेरिका वर्सेस केविन लेविन और हल्क वर्सेस अल्टीमेट ह्यूमंगस और दोनों टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई है, और अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। तो MCU का स्पाइडरमैन और बेन 10 का स्पाइडर मंकी दोनों की पावर्स और एबिलिटीज लगभग सेम लेवल की है, इसलिए एक ही बार में ये डिसाइड कर लेना कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसलिए हम पहले दोनों की कुछ पावर्स और एबिलिटीज का कंपैरिजन करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हुए पहले बात करते हैं MCU के फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन की। तो स्पाइडरमैन को उसकी पावर्स एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से मिली थी, और स्पाइडरमैन पावरफुल होने के साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और MCU में हमें स्पाइडरमैन के बहुत से ऐसे पावरफुल फीट्स देखने को मिले हैं जो ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसे होमकमिंग में स्पाइडरमैन शिप को दो हिस्सों में होने से रोक देता है, और विंटर सोल्जर मूवी में जहाँ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के पंच को रोकने के लिए स्ट्रगल करता है, वहीं स्पाइडरमैन बक्की के पंच को बहुत ही इजीली रोक लेता है, जो ये दिखाता है कि स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही स्पाइडरमैन का AI उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है, और स्पाइडरमैन की डिसएबिलिटीज ज्यादा तो नहीं है पर इसके वेब सूट लिमिटेड है, जो अगर फाइट के दौरान खत्म हो जाए तो स्पाइडरमैन मुश्किल में आ सकता है। और अब बात करते हैं बेन 10 के अल्टीमेट एलियन स्पाइडर मंकी की। तो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी नॉर्मल स्पाइडर मंकी का ही अपडेटेड वर्जन है, और बेन 10 के हर एक एलियन की अल्टीमेट फॉर्म उसके नॉर्मल एलियंस की फॉर्म से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसके साथ अल्टीमेट स्पाइडर मंकी अपनी पूंछ के साथ अपने मुंह से भी वेब शूट कर सकता है, और स्पाइडर मंकी का वेब भी बहुत ज्यादा भारी वजन उठा सकता है। साथ ही स्पाइडर मंकी के पास 4 नुकीले स्पाइक्स है जो उसे फाइट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड तो कराते ही है, साथ ही वो इतने ज्यादा पावरफुल है कि कंक्रीट की मजबूत दीवार में भी छेद कर सके। ऐसे ही स्पाइक्स स्पाइडर मैन के पास भी है, जब स्पाइडर मैन अपना इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेट करता है तब ये स्पाइक्स उसके सूट में आते हैं। और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का एक एडवांटेज ये भी है कि वो अपनी बॉडी से अनलिमिटेड वेब रिलीज कर सकता है, जो स्पाइडर मैन नहीं कर सकता। साथ ही अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और स्पाइडर मैन अपने आयरन सूट की हेल्प से स्पेस में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर बात करें अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की, तो वो स्पेस में सर्वाइव नहीं कर सकता। और इन दोनों की सभी पावर्स और एबिलिटीज को देखते हुए अगर इन दोनों की फाइट होती है तो फाइट बहुत देर तक चलेगी, बट एज अ रिजल्ट कौन जीतेगा वो आप मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको लगता है स्पाइडर मैन जीतेगा तो कमेंट में रेड हर्ट कमेंट करना, और अगर आपको लगता है स्पाइडर मंकी जीतेगा तो कमेंट में ब्लू हर्ट कमेंट करना। आज देखते हैं इसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है।